का जो काम करेगा, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए लगा करके उसकी जो अंदर की प्लांट पार्क अंदर को डेवलप करेगा। अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमको ये है कि जो आपकी बात ठीक है कि इसका जो सॉलिड एफिलेंट होगा, सॉलिड वेस्ट होगा और जो लिक्विड डिस्चार्ज होगा, एफिलेंट होगा, वो बहुत पॉइजनस और बहुत वो डेंजरस टाइप का होगा। और इसको ट्रीट करना, इसको किस तरह से हम उसको करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इसमें एक्सपीरियंस हो। और जिस तरह से आप गुजरात और आंध्र प्रदेश की बात करें, इस वक्त इंडिया में सिर्फ बलरग पार्क एक ही है, वो विशाखापट्टनम में है, और उसका जो लिक्विड डिस्चार्ज है उसको ट्रीट करके वो सी में 5 किलोमीटर लाइन ले जाकर के सी में उसको कर रहे हैं। मगर जब सी में भी डालते हैं, जो एफ्लुएंट लिक्विड एफ्लुएंट डालते हैं, वो उसको ट्रीट करके डालते हैं। हम हिमाचल प्रदेश में जो लिक्विड एफ्लुएंट है, हम ऐसा प्लांट लगाएंगे, ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे कि हमारा जो डिस्चार्ज है, लिक्विड डिस्चार्ज जीरो होगा। हम इस बलरग पार से लिक्विड डिस्चार्ज हम करेंगे ही नहीं। जो सॉलिड वेस्ट होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल लाएंगे, रॉ मटेरियल चाइना से आएगा या बाहर के देशों से आएगा, इंडिया में रॉ मटेरियल इसका बहुत कम मिलता है। क्योंकि बलरग पार्क इसलिए बनाया गया है क्योंकि कोरोना के दौरान इंडिया में जो मेडिसिन की शॉर्टेज पड़ गई थी, और मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वो चाइना से ही आता था। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हम इंडिया में जो है इसका जो रॉ मटेरियल है दवाइयों का, वो इंडिया में बलरग पार्क के माध्यम से उसको बनाया जाएगा। अब इसमें ये मान के चलो आपकी जो हमारा रॉ मटेरियल आएगा वो राउंड अबाउट 50-60% वो जो है वो वेस्ट होगा। उसको किस तरह से ठिकाने लगाना है, किस तरह से जो एक वो हमारे पर्यावरण को, हमारे लैंड को, या मान लो उसके माध्यम से सीपेज ना हो, उसको वो ना हो, क्योंकि हमने एक प्राइवेट मेडिकल डिवाइस पार्क विशाखापट्टनम में, हमारी टीम जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, डायरेक्टर इंडस्ट्री और लोग गए हैं वहाँ पे, उसको लेयर्स में डालते हैं। प्लास्टिक की शीट होगी उसको डालेंगे, थ्री टायर वो शीट होगी, उसमें रैप करके उसको जो है ना फेजेस में उसको डालते हैं, उसको ट्रीट करके डालते हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जो भी ट्रीटमेंट होगा वो वर्ल्ड क्लास लेवल का ट्रीटमेंट होगा, जिससे कि लोगों को या जमीन को या कोई ऐसा जो है इस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सर, दूसरी चीज ये थी कि जिस तरह से क्रशरों पर प्रतिबंध लगा है, अभी भी है, तो एक ट्राली जो पहले 4,000 रुपए की आती थी, प्रदेश के विभिन्न भागों में 15,000 रुपए में बिक रही है, तो क्या कारण है और इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? नहीं देखो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब आपदा आई, बाढ़ आई, बारिशें आई थी, तो बहुत सारा हिमाचल प्रदेश में नुकसान भी हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि माइनिंग की वजह से जो है ये नुकसान हुआ है। ठीक है, माइनिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ये बात नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी ने फिर आपदा राहत कोष में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है क्रशर्स को बंद कर दिया गया था, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है कि वो जो है इन जो क्रशर्स है इस पे और माइंस हैं, इनको किस तरह से रेगुलेट किया दिया है, किस तरह से इसको चेक किया जाए, वो इन्होंने कमेटी फॉर्म की है, और उन्होंने कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और मेरी सीएम साहब से कल भी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि जल्द जो है इस पे जो है इसको जो है जल्द फैसला जो है वो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि क्रशर बंद होने की वजह से कुछ जिलों में, विशेष करके कांगड़ा जिले में और कुल्लू और मंडी में जो है वो रेट्स बढ़े हैं, और पंजाब से भी रॉ मटेरियल आ रहा है। मुझे विक्रमादित्य पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया है कि पीडब्ल्यूडी का काम भी जो है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि रोड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैंने सारी बातें मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस विषय पे जल्द फैसला हो जाएगा। सर, मेरे को कितना नुकसान हो रहा है दिन का, डेली का, सरकार को, और दूसरा सर कि इसी माह खुल जाएंगे? नहीं, मुझे लगता कुछ दिनों में, 2-1-2 दिन में खुल जाएंगे। और नुकसान तो अब ये है कि अब माइनिंग डिपार्टमेंट को तो ये मान के चलो 30-40 लाख रुपए हर रोज का नुकसान हो रहा है। सर, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में सरकार बनी कोई नए कार्य नहीं हो रहे हैं, जो भवन है वो नहीं बन रहे, कोई नए वही पुराने भवन में, और सरकार दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से दूसरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी कांग्रेस ये कहकर के वोट ले रही कि हमने हिमाचल में गारंटियां पूरी कर ली, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं। देखो, जयराम जी क्या कह रहे हैं वो तो विपक्ष के रूप में
सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे, वो तो सरकार की आलोचना करेंगे, उनका काम है। अब उन्होंने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपनी दुकान उन्होंने भी चलानी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी चलानी है। मगर आप मेरे से भी प्रश्न पूछ रहे हो, हमने 1950 करोड़ रुपए का बलरग पार्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो 350 करोड़ रुपए की लागत से है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है, कॉलेजेस की बिल्डिंग्स है, स्कूल्स की बिल्डिंग है, ऑफिसेज की बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश में विकास जो है वो हो रहा है। अब ये बात बोलना कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो मुझे नहीं लगता कोई तर्कसंगत बात है। और विशेष करके 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा आई है, सारा विकास कार्य और सारी चीज़ें जो है वो थमी है, मगर अब इस सारे काम में विकास के मामले में तेजी आई है। सर, जो शीतकालीन सत्र है जैसे दिसंबर में होता है, तो क्या निर्धारित समय पर ही होगा, क्योंकि इस बार मॉनसून सेशन को भी थोड़ा लेट करना पड़ा था, या थोड़ा इसको आगे किया जा सकता? नहीं, निश्चित रूप से जो विंटर सेशन होगा वो धर्मशाला में होगा और समय पे होगा, क्योंकि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारा जो मॉनसून सेशन हुआ तो सितंबर में हुआ, तो 2 महीने भी नहीं हुए, तो मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद जनवरी के दिसंबर में या जनवरी महीने में जो मॉनसून विंटर सेशन होगा। सर, नई भर्तियां लटकी हैं, राज्य चयन आयोग कब तक बहाल हो पाएगा? नहीं, देखो राज्य चयन आयोग जो है उसकी बहाली कर दी गई है, ऑफिसर्स को उसमें डेप्यूट कर दिया गया है, लगा दिया गया है, और रिजल्ट्स जो रुके हुए रिजल्ट्स थे उनको, जिनमें केसेस नहीं थे उनके रिजल्ट्स घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, और नई जो रिक्वेजिशन है, नई रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट्स की, हमीरपुर सुपरिटेंडेंट सर्विस चयन आयोग को, वो डिपार्टमेंट ने कर दी है। अब किसी भी संस्था को, जो सुपरिटेंडेंट सर्विस बोर्ड तो भ्रष्टाचार का अड्डा था जहाँ पेपर बिकते थे और उसमें सफाई करना जो है जरूरी था, अब वो नॉर्मल रूटीन में हमीरपुर बोर्ड जो है वो काम करेगा, और हिमाचल प्रदेश में नौकरियों के मामले में तेजी आएगी। अभी हमारे वन रक्षक जो है हर बीट में, हिमाचल प्रदेश के हर बीट में वन रक्षक की भर्ती जो है वो जल्द होने वाली है, और आईपीएस डिपार्टमेंट में जो है मल्टी टास्क वर्कर जो है उनकी भर्ती आरंभ होने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड्स है, माइनिंग गार्ड्स है, उन सारे के लिए रिक्विजिशन जो है डिपार्टमेंटों ने कंसर्न हमीरपुर बोर्ड को कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 6,000 टीचरों के पद स्वीकृत किए गए हैं, और सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट कर दी गई है। अभी पिछले एक साल के अंदर अंदर जो है लगभग 500 के करीब जो कॉलेज के प्रोफेसर्स जो है उनकी नियुक्ति हुई है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में जो है वो 145 जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई, जिनकी हम पोस्टिंग जल्द करने वाले। इस तरह से हर विभाग में जो है वो नौकरियां जो है का प्रोसेस जो है जारी है। सर, हाटी कम्युनिटी के लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि जब राष्ट्रपति से और केंद्र सरकार ने हाटी का जो दर्जा है वो दे दिया है, लेकिन अभी तक जो लोग हैं उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, एसटी के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आगामी समय हम सड़कों पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ, इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखो, जो हाटी वाला इशू है उसमें हिमाचल सरकार ने क्लेरिफिकेशन मांगी है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, उसमें तो कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ डाउट्स थे जो हिमाचल सरकार ने जो है कमिटी ऑफ इंडिया को लिखा है, और जैसे ही वो क्लेरिफिकेशन आ जाएगी वो हिमाचल सरकार उसको इश्यू कर देगी। अब जो केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारी, उन्होंने भी खुद कहा है इसमें कोई क्लेरिफिकेशन की गुंजाइश है, क्लेरिफिकेशन के लिए मांगा है, जैसे आ जाएगा उसको कर दिया जाएगा, तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और हिमाचल सरकार इसको रोक नहीं सकती है। मगर जहां बेस डेट की बात है, बेस डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी। अब राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन और जो अंडर सेक्रेटरी की लेटर है उसमें भी अलग अलग चीजें हैं, तो क्लेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल सरकार ने लिखा हुआ, तो जैसे आएगी उसको हो जाएगा। रिप्लाई आया नहीं सर? अभी आया नहीं सर। सर, विपक्ष कह रहा है कि हमने जो पहले कर्जा लिया था वो पूर्व की सरकार के कर्ज उतारने के लिए लिया था, अब जो सरकार कर्जे ले रही है वो अपने चाहतों को फायदा पहुंचाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ले रही है। नहीं देखो, ऐसा ना कि किसी भी सरकार को कर्जा लेना मजबूरी है, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश नहीं है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी लोन लिया था, इस सरकार ने भी विकास कार्यों को और सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज और एरियर को देने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अब चहेतों को पैसा थोड़ी बांटा जा सकता है, जो पैसा लोन के माध्यम से लिया जाएगा
वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेंक्शन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी एक प्रोसेस है। अब वो चहेतों को पैसा, कोई रेवड़ी, पैसा जो है रेवड़ियों के थोड़ी बांटा जाता है। ये मान लो भारतीय जनता पार्टी और जयराम जी का कहना गलत है। अब ठीक है, राजनीति में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी बहुत सारी होती है। आज तो एक साल का समय कांग्रेस सरकार का हुआ है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बहुत कम हुई है। आज जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन के रूप में मेरे को हिमाचल प्रदेश में आधा दर्जन लोग भी नहीं है, और मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो ओएसडीज और पॉलिटिकल सेक्रेटरीज हैं 5-6 लोगों को लगाए गए हैं। तो ये तो किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है वो राजनीतिक मजबूरियां होती है, काम चलाने के लिए सरकार करती है।